press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज के वीडियो में हम निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये गिरावट क्यों हो रही है और डॉलेक्स के साथ इसका क्या संबंध है, जरा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं निफ्टी और डॉलेक्स इंडेक्स। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने निफ्टी है। आपने देखा कि निफ्टी ने अपना एक हाई बनाया था और ये हाई जो बनाया था, ये हाई था अक्टूबर के महीने में, है ना, अक्टूबर के महीने में 2021 में निफ्टी ने अपना एक हाई बनाया था, 18,600 का एक हाई था, जो उसने नवंबर 2022 में उस हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज दे दिया। लेकिन ये जो क्लोज आपको मिल रहा है, मतलब ये जो एक नया हाई मिला, इट वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट, एक रॉन्ग ब्रेकआउट था और उसकी वजह से आप देखिए, इट वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट, हम नीचे की तरफ हमने आना शुरू कर। अब सवाल ये आता है कि भैया देखो, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ये पता कैसे चलेगा, है ना, फॉल्स ब्रेकआउट है ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि अब ये तो पूरा महीना बनने के बाद, अगर आप समझें, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल तो पूरा एक महीना होने के बाद आपको पता चला कि भैया ये आपका बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न ऐसा बना है, तो ये तो पूरा महीना खत्म होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन इससे पहले से आप कैसे पता लगा सकते थे कि यार ये शायद एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, कैसे अंदाजा लगा सकते थे? वो आप लगा सकते थे अगर आप डॉलेक्स को फॉलो करें तो। अगर आप डॉलेक्स को फॉलो करते तो शायद आप ये पहले से पता लगा सकते थे, है ना, कि भैया यहां पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आपको शायद मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग शायद डॉलेक्स नहीं जानते होंगे कि डॉलेक्स क्या हो। देखिए, ये निफ्टी है, हम जो चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, मंथली चार्ट है। तो निफ्टी, ये आप जो देख रहे हो, ये INR के बेस पे है, रुपीस के बेस पे है। नाउ अगर मैं आपको जैसे डॉलेक्स दिखाऊं, तो लेट्स सपोज मैं यहां पे डॉलेक्स टाइप करता हूं, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम यहां पे टाइप करेंगे डॉलेक्स। तो डॉलेक्स जब आप डॉलेक्स टाइप करेंगे ना, तो आपको डॉलेक्स 30, डॉलेक्स 100, डॉलेक्स 200 मिलेगा। डॉलेक्स 30 क्या है, मतलब आप सेंसेक्स जो है, मोटा मोटी सेंसेक्स जो है, उसको आप डॉलर के रूप में देख रहे हो। क्या कर रहे हो, फिर से बता रहा हूं, सेंसेक्स को आप डॉलर के टर्म्स में देखने की कोशिश कर रहे हो। तो आइए जरा एक बार सेंसेक्स को डॉलर के टर्म्स पे देखते हैं। तो मैं इसके चार्ट को एक बार ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, अगर आप इस चार्ट को देखें, तो ये डॉलेक्स का, डॉलेक्स 30 का चार्ट है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, तो इसने जो हाई बनाया था, इसने जो हाई बनाया था, ये जो हाई आप देख रहे हो, ये कभी उसके ऊपर गया ही नहीं। आपको निफ्टी में INR के उसमें आपको ये ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ा था, अगर आप समझ सके, तो ये वाला पैटर्न आपको यहां कहीं पे बनता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगर आप डॉलेक्स के टर्म उसमें देखें, तो ये भैया ऊपर गया ही नहीं और वहीं से गिरावट शुरू हो गई। इसलिए आपको निफ्टी में एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला।
पा रहे हो कुछ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो कभी कभी कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे आंखें देखती हैं, उसके पीछे भी एक दूसरी कहानी हो सकती है। तो ये डॉलेक्स है, डॉलेक्स 100 भी आप देख सकते हो, डॉलेक्स 200 भी आप देख सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग डॉलेक्स 30 देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग डॉलेक्स 30 देखते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मैं आपको डॉलेक्स 100 भी दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, ये डॉलेक्स 100 का चार्ट है, और यहां भी आप सेम चीज देख पाएंगे। ये देखिए, हाई के ऊपर नहीं जा रहा है और हम उसके नीचे ही हमने अपना ये पैटर्न बना के स्टॉक नीचे आने लगा। तो अगर आप समझे निफ्टी को ऊपर आना है, तो आपको ये जो हाईज थे, इस हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। आपको इन हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर आप इस हाई के ऊपर नहीं निकलोगे, तो भैया फिर आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, है ना? आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था कि ये जो हाईज है, पहले एक तो आपको जैसे अभी ये प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो पहले इस हाई को तोड़ना पड़ेगा, इस वाले को, और ये वाला जो हाई है इनको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही निफ्टी में आपको एक उछाल देखने को मिलेगी, एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है, क्या करना है, आप खुद से देख लीजिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपने आज कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। इस तरह के वीडियोस नॉर्मली देखिए मैं बनाता हूँ, और मैं अपने चैनल पे इनको पोस्ट करता हूँ और ज्वाइंट मेंबर्स के लिए भी पोस्ट करता हूँ। अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, फिर आपको उससे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।